मनुष्य जीवन बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। और सौभाग्यशाली वह व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन को तराशा है। जैसे तराशने के बाद में पत्थर का महत्व बढ़ जाता है, भगवान बन जाता है। जैसे तराशने के बाद में पानी का महत्व बन जाता है, डिस्टिल वाटर हो जाता है। जैसे तराशने के बाद में दूध का महत्व बढ़ जाता है, घी बन जाता है। जैसे तराशने के बाद में एक कंकड़ पत्थर की तरह दिखने वाले हीरे बेशकीमती हीरा बन जाता है। ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति अपने जीवन को तराशते हैं, व्यक्ति महान बन जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को तराशते हैं, अपने जीवन में बुराइयों को निकालते जाते हैं, उनके लिए दूसरों के लिए समय नहीं बचता है। वो अपने ही जीवन को लौट लौट करके देखता है, कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं गलत रास्ते में गलत मार्ग पर तो नहीं चल रहा हूँ, और अपने जीवन को सुपथ पर लेता जाता है, सुमार्ग तैयार करता जाता है अपने जीवन के लिए खुद। और जो लोग अपने जीवन को नहीं तराशते हैं, वो लोग उसी पत्थर की तरह होते हैं। जैसे जिस मंदिर में जाने से पहले पत्थर वही था, वो भगवान बन जाता है। लेकिन एक वही पत्थर है जो तराशने के समय छीनी और हथौड़ी का चोट नहीं सहता है, वो पत्थर एक सीढ़ी में लगाने का काम आता है या फुटपाथ पर लगाने का काम आता है। जो जो व्यक्ति अपने जीवन को तराशने पर मुसीबत और मेहनत समझते हैं, वो व्यक्ति कैसे होते हैं? जैसे फुटपाथ पर पत्थर होता है और सीढ़ी पर पत्थर होता है, वैसे ही उस व्यक्ति की स्थिति होती है। और जो अपने जीवन को तराश लेते हैं, वही बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद जैसे महापुरुष बन जाते हैं। क्या हम अपने जीवन को तराशते हैं? क्या हम अपने जीवन को संवारते हैं? क्या हम मनुष्य जीवन पाकर के इस जीवन की सार्थकता बना पा रहे हैं कि बस बेडौल अनगढ़ पत्थर की तरह अपने जीवन को हम बर्बाद करते चले जा रहे हैं? जो तराशा वो महान बन गया, जो तराशा वो पूजनी बन गया, जिन्होंने अपने को तराशने में समय गुजारते गए, उस व्यक्ति के लिए दूसरों के लिए वक्त नहीं बचा। उस व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द की विदाई हो गई, उस व्यक्ति के जीवन में शिकायत खत्म हो गया। वो व्यक्ति बादशाहत जीवन जीते हैं, अब बादशाह की तरह जीते हैं। हम भी अपने जीवन को तराशे, अपने जीवन को छीले गढ़े। दिल्ली में अक्षरधाम एक जगह है, वहां जाएंगे तो एक अक्षरधाम में एक जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो उसमें एक मूर्ति अपने ही शरीर को छील रहा है छीनी और हथौड़ी से। एक व्यक्ति एक मूर्ति में स्थापित किया गया है कि अपने ही शरीर को छीनी और हथौड़ी से छील रहा है। इसका मतलब क्या होता है? हम अपने शरीर को छील दें छीनी और हथौड़ी से, ये नहीं है। हम अपने जीवन से बुराइयों को छीलते जाए, बुराइयों को हटाते जाए और महान व्यक्ति बन जाए, कम से कम अपने आप में संतोष तो महसूस होगा।
और जीवन को नहीं छीले, नहीं गढ़े, नहीं संवारे तो बेकार जीवन चला जाएगा और अंतिम में पश्चाताप के अलावा जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। आज हर व्यक्ति के मन में एक शिकायत भरी जिंदगी जीते हैं। हर व्यक्ति के मन में शिकायत है, बच्चे ऐसे हैं, पिता ऐसे हैं, भाई ऐसे हैं, बहन ऐसे हैं, पति ऐसे हैं, पत्नी ऐसे हैं, शिकायत भरी जिंदगी। शिकायत किसने दिया आपको? आपका बनाया शिकायत है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। जन्म माँ बाप के कोख से मिलता है, प्रकृति का वरदान है, लेकिन जीवन कैसे जीना है आपके हाथों में है। जन्म और मृत्यु प्रकृति के अनुसार होता है, निर्धारित है, लेकिन जीवन को कैसे जीना है, भुनभुना करके जीना है कि गुनगुना करके जीना है, आपके हाथों में है। यदि आप अपने जीवन को तराशते हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाते जाते हैं, तो आप आदरणीय बन जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं, पिता बन जाते हैं, माँ बन जाती है, भाई बन जाते हैं, बहन बन जाते हैं, और नहीं संवारते हैं, नहीं छीलते हैं, नहीं गढ़ते हैं, तो आप अपने ही बच्चे के दुश्मन बन जाते हैं। आपके ही बच्चे आपसे प्यार से बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपने जीवन को तराशा नहीं है, जीवन का महत्व नहीं समझा है। एक व्यक्ति ऐसे ही रास्ते से गुजरते गुजरते जा रहा था, गुजरते गुजरते उनको एक आश्रम दिखा, और आश्रम में जाने के बाद में संत से पूछते हैं, संत भगवान मेरे जीवन का महत्व क्या है? आप सब अपने जीवन का महत्व लगाएंगे इस घटना के हिसाब से, आपके जीवन कितना बेशकीमती है, कहीं आपने जीवन को बर्बाद तो नहीं कर दिया है, कहीं आपने जीवन को कबाड़ की तरह तो नहीं जी रहे हैं। आप अपने जीवन का मूल्यांकन करिएगा इस घटना के हिसाब से। वो संत आगे बढ़ते हैं, वो भक्त आगे बढ़ते हैं, संत के पास जाकर के पूछते हैं, संत भगवान मेरे जीवन का कीमत क्या है? संत कहते हैं, इस बात को छोड़ो, मैं तुमको एक पत्थर दे रहा हूं, इस पत्थर का बस रेट पता करते जाना, तुम इसका पत्थर का रेट बताना, बस जितने अधिक से अधिक जगह हो इस पत्थर का रेट पता करके आना। संत भगवान उनको एक बेस कीमती पत्थर देता है। वो भक्त वहां से निकलता है, निकलते ही उनको जैसे ही आश्रम से मंदिर से निकलता है, और निकलते ही उसको एक जो कबाड़ लेने वाले होते हैं, जो लोहे टीपे प्लास्टिक अन्य चीजों को खरीदता है, उनको पूछता है, भाई साहब आप इस पत्थर का क्या रेट लगाएंगे? ये कोई पत्थर नहीं, आत्मीय बंधु हम सबके जीवन का रेट है, आप ध्यान से इस बात को सुनेंगे। वो भक्त पूछते हैं कि भाई साहब इस पत्थर का क्या रेट लगाएंगे? कहते हैं, तुम्हारे पत्थर बहुत अच्छे और चमकीले दिख रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पत्थर को मैं लोहे के भाव में खरीद सकता हूँ। वो आदमी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, एक सब्जी वाले के पास जाता है, सब्जी वाले को पूछता है, भाई साहब इस पत्थर का आप क्या रेट दे सकते हैं? वो सब्जी वाले कहते हैं, भाई साहब तुम्हारे पत्थर चमकीले दिख रहे हैं और अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए मेरे पास अभी बहुत बेस कीमती सब्जियों में टमाटर का भाव सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हारे पत्थर को, मैं टमाटर के भाव में आपका पत्थर 40 रुपये में खरीद सकता हूँ। जो 20 रुपये में लोहे टीपे खरीदने वाले खरीदने को तैयार था, वो 40 रुपये में बिकने को तैयार हो जाता है। वो आदमी आगे बढ़ता है, एल्युमिनियम के दुकान में जाता है, और एल्युमिनियम के दुकानदार से पूछते हैं, भाई साहब इस पत्थर का क्या रेट लगाएंगे? वो व्यक्ति कहते हैं, भाई साहब तुम्हारा पत्थर चमकीला है, इसलिए तुम्हारे पत्थर को मैं 400 रुपये किलो तक खरीद सकता हूँ। जो पत्थर 40 रुपये किलो में बिकना था, वो पत्थर 400 रुपये किलो तक बिकने को तैयार है। वही पत्थर है, व्यक्ति आगे एक बड़े से पीतल के दुकान में जाता है, और वहां जाकर के पूछते हैं, भाई साहब आप इस पत्थर का क्या रेट लगाएंगे? वही पत्थर है, जब 800 रुपये पीतल के भाव में बिकने को तैयार है। पत्थर वही है, जगह बदलते गए, फिल्टर करते गए, रेट बढ़ता चला जा रहा है। आदमी वही है, पत्थर वही है, जगह बदल रहे हैं, कीमत बढ़ता चला जा रहा है,
व्यक्ति पुनः दूसरे जगह जाता है, एक चांदी के दुकान में वही पत्थर है, लेकिन वो 40,000 रुपए किलो में खरीदने के लिए दुकानदार तैयार हो जाता है। वो आदमी को संतोष नहीं होता है, वो आदमी आगे चलता है, एक सोने के दुकान में जाता है, वहां वो पत्थर 40,00,000 रुपए तक खरीदने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है, क्योंकि उस बेशकीमती पत्थर कुछ और ही था। वो आदमी को संतोष नहीं होता है, वो आदमी और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, एक हीरे की दुकान में जाता है और हीरे की दुकान में जाने के बाद में वही पत्थर 4 करोड़ रुपए में भी खरीदने के लिए दुकानदार तैयार हो जाता है। वो आदमी को और संतोष नहीं हुआ। एक बड़ा सा हीरे के दुकान में हीरे के व्यापारी के पास जाता है और हीरे के व्यापारी से पूछता है, भाई साहब इस पत्थर का आप क्या रेट लगा सकते हैं? वो दुकानदार कहता है, भाई साहब मैं सत्य कहूं तो इस पत्थर का कोई रेट अदा नहीं कर सकता है, इस पत्थर का कोई रेट अदा नहीं कर सकता है। इस पत्थर को तुम यदि बेचना चाहो तो तुम अपने इलाकों को भी बेच दो, तब भी इस पत्थर का रेट तुम अदा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई साहब ये साधारण पत्थर नहीं, ये बहुत बेशकीमती हीरा है, हीरा है। ये पूरी घटना के बाद वो व्यक्ति लौट करके उस संत के पास जाते हैं और संत के पास जा करके कहते हैं, आपने इस पत्थर का रेट पूछने को बस कहा था, मैं पूछ करके आया, वो पत्थर 20 रुपये से 40, 40 से 80, 80 से 800, 800 से 40,000, 40,000 से 4 लाख, 4 लाख से 4 करोड़, 4 करोड़ से इसका एक ऐसी स्थिति आई का इसका रेट अदा करने वाला इस जगह पर नहीं मिला मुझे। संत कहते हैं, तुम अपने जीवन का कीमत जानना चाहते हो ना, तुम्हारा भी कीमत ऐसा ही है और हम सबका भी कीमत ऐसा ही है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सबका कीमत ऐसे हैं। यदि आप अपनी जिंदगी को लड़ और झगड़ करके बर्बाद करते हैं तो आपका कीमत कितना हुआ जानते हैं? सिर्फ लड़ने और झगड़ने वाले कहलाने वाले की जिंदगी होती है आपकी, आपका कीमत उतना ही होता है। आप एक बीड़ी पीने वाले के साथ जाते हैं, सिगरेट पीने वाले के साथ जाते हैं तो आपका कीमत सिर्फ बीड़ी और सिगरेट पहलाने वाले कहलाते हैं। शराबी के साथ जाते हैं तो शराबी कहलाते हैं, जुआनी के साथ जाते हैं तो जुआनी कहलाते हैं, और वकील के साथ जाते हैं तो वकालत करने वाले वकील कहलाते हैं, मास्टर के साथ में जाते हैं तो मास्टर कहलाते हैं। यदि आप संग बदलते हैं कीमत बढ़ता जाता है आपका। इंजीनियर के साथ में जाते हैं आप इंजीनियर कहलाते हैं, नेता के साथ में जाते हैं नेता कहलाते हैं, और कहीं कदाचित आपने एक अच्छे लोगों के साथ संग साथ करना शुरू कर देते हैं आप अच्छे इंसान कहलाते हैं, और यही करते करते आप कहीं अच्छा जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो एक महान व्यक्ति कहलाते हैं, और बदलते बदलते आप अपने को फिल्टर करते करते जगह बदलते बदलते आप संत के साथ में चले जाते हैं तो भगवान कहलाते हैं। एक व्यक्ति 100 करोड़ रुपए के सोना पहनता है, उसकी कोई पूजा और आरती नहीं करता है आत्मीय बंधुओं, लेकिन कोई व्यक्ति 100 करोड़ क्या, मात्र 100 रुपये के 50 रुपये की लंगोटी और सापी पहन लेता है, संत का वेश धारण कर लेता है, जीवन को तब्दील कर देता है, जीवन जीने की शैली बदल देता है, तो 100 करोड़ के सोना पहनने वाले के सामने वो 50 और 100 रुपये के कपड़े पहनने वाले संत भारी पहन जाते हैं। उसके सामने आदमी नतमस्तक होते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उसकी चरणों की वंदना करते हैं, उसका चरणोदक पीते हैं और व्यक्ति संत और महान बन जाते हैं। क्या आप अपने जीवन को तराशना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को फिल्टर करना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में प्रेम का संचार करना चाहते हैं? जीवन में खुशबू बिखेरना चाहते हैं अपने जीवन में कि रोधो करके जीवन जीना चाहते हैं, शिकायत भरी जिंदगी जीना चाहते हैं? ये निर्णय आपके हाथों में है। सबके पास हैसियत नहीं होती है कि अच्छे इमारत बना सके, अच्छे मकान बना सके। सबके पास हैसियत नहीं होती है कोई इंजीनियर मास्टर वकील बन जाए।
लेकिन सबके पास हवस्यत होती है, सबके पास वो तरबूज तरकीबें होती है, सबके पास वो जीने का एक अंदाज होता है, सबके पास वो शक्ति है कि हर व्यक्ति महान बन सकता है, हर व्यक्ति अपने आप को महान व्यक्ति बना सकता है। आपके हाथों में। हम जीवन को बर्बाद कर देते हैं। क्यों बर्बाद करते हैं? क्योंकि हम जीवन के महत्व को नहीं समझते हैं। मैंने एक उदाहरण के माध्यम से कहा कि जितना ही आप जगह बदलते जाते हैं, महत्व बदलता जाता है, आपके जीने के तरीके बदलते जाते हैं, आपका महत्व बढ़ता चला जाता है और आप महान व्यक्ति बनते चले जाते हैं। और उदाहरण बताऊं आपको, जैसे आप कहीं पर नल खोलते हैं तो नल खोलते हैं, पानी निकालते हैं, हजारों घड़ा पानी निकाल लेते हैं, वो पानी आपको फ्री में मिल जाता है, लेकिन वही पानी को आप फिल्टर कर देते हैं और फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर करने के बाद में 20 लीटर की एक बॉटल में भर देते हैं तो आपका कीमत 40 रुपया 100 रुपये तक बढ़ जाता है। पानी को फिल्टर किए, 20 रुपए के बोतल पे भर दिए, आपका कीमत बढ़ गया। कहीं वही पानी को फिल्टर करने के बाद में एक कंपनी का ट्रेडमार्क का लगा देते हैं और 1 लीटर के बोतल पे भर देते हैं, आपका कीमत 20 रुपए तक चला जाता है। पानी का कीमत 20 रुपया बढ़ जाता है। वही पानी है आप रेलवे स्टेशन में खरीदते हैं, वही पानी का रेट कितना हो जाता है? वही पानी का रेट 40 रुपये तक चला जाता है। और वही पानी है आप जगह बदल देते हैं, जगह बदलने के बाद में एयरपोर्ट पे चले जाते हैं तो वही पानी 100 रुपये में मिलता है। आप अपने जीवन को कितना तराशा है? आप कहीं शिकायत भरी जिंदगी तो नहीं जी रहे हम कि बाद में अंतिम में बुढ़ापे की अवस्था में पश्चाताप और गुलामी में जीवन बीत जाए, बस शिकायत भरी जिंदगी जी जी करके जीवन को हम बर्बाद कर दें, जीवन को हम घसीट दें, हम अपने ही अपने लोगों को बीच से, अपने लोगों के बीच से हम पराया हो जाए, अपने ही बच्चे के बीच से पराया हो जाए, अपने ही माँ बाप के बीच से पराया हो जाए, अपने ही भाई बहन के बीच से हम पराया महसूस करें अपने जीवन को और अपने जीवन को कोसते रह जाए, अपने ही परिवार में रह करके हम अपने आप को अकेला महसूस करे, अपने आप में अपने को विकलांग महसूस करे, मेरे कोई नहीं है इस दुनिया में। क्या कहीं ऐसी स्थिति आपको नहीं हो रही है? यदि आपकी ये स्थिति हो रही है तो आपकी गड़बड़ी है, आपकी स्वभाव की गड़बड़ी है, आपकी अपने ही कमजोरी है कि आपने अपने जीवन को तराशा नहीं है, आपने अपने जीवन को तराशा नहीं है। आप अपने बेशकीमती जीवन को, आप अपने बेशकीमती जीवन को लड़ने और झगड़ने में जीवन को बर्बाद कर दिया है। इसलिए जीवन को तराशते जाइए। हीरे को तराशने के बाद में हीरे की कीमत यदि 2 लाख रुपए की हीरा है तो वही हीरा तराशने के बाद में 10 गुना बढ़ जाता है और हीरे की कीमत 20 लाख रुपए तक हो जाता है। हीरे को तराशने के बाद में हीरे का कीमत बढ़ता है, सोने को तराशने के बाद में सोने का कीमत बढ़ता चला जाता है। ठीक वैसे ही आप अपने जीवन को तराशते हैं तो आप आदरणीय बन जाते हैं और अपने जीवन को नहीं तराशते हैं तो बेकार हो जाता है जीवन, कबाड़ की तरह जीवन। और कैसे बताऊं? आप जीवन का निर्माण करिए, आप जीवन को सुंदर बनाइए। कुछ लोग अपने जीवन को बेडौल बनाते हैं, कुछ लोग अपने जीवन को बेकार जिंदगी जीते हैं और अनगढ़ पत्थर की तरह जीवन को बर्बाद कर देते हैं। कैसे जीते हैं? एक उदाहरण बताऊं। जैसे कोई आदमी सुबह सुबह स्नान करता हो और स्नान करने के बाद में वो करते क्या है, 2 बाल्टियां कपड़ा धोता है, 2 बाल्टी कपड़ा धोता है और कपड़ा धोने के बाद में उस कपड़े को बाल्टी से ले जाकर के छत पे फैला देता है, छत पे फैलाता है, 4 घंटे बाद वो कपड़ा सूख जाता है और उन कपड़ा को ला करके अपने कमरे में आलमारी खोलता है और आलमारी खोल करके उस कपड़े को आलमारी में ठूस करके भर देता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कहीं मैं इतना बोल रहा हूं आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो तो मेरा बोलना बेकार चला जाएगा। मैं कह रहा था कि आप जीवन को कैसे जीते हैं। एक आदमी
कपड़ा धोया, कपड़ा फैलाया और कपड़ा सूखने के बाद में उस कपड़े को ला करके आलमारी खोलता है और आलमारी खोलने के बाद में ठूस करके भर देता है। कैसे ठूस करके भरता है? जैसे कोई पेरा को या भूसा को भर रहा हो वैसे ठूस करके उस कपड़े को भर देता है। एक आदमी करता है, वही कपड़े हैं, कपड़े को ला करके बिस्तर पर रखता है, प्रेस ऑन करता है या प्रेस ऑन नहीं भी करता है तो उन कपड़े को एक के बाद एक तह करके एक के बाद एक लाइन से सिस्टम से रखता जाता है और फिर अलमारी खोलता है। अलमारी खोलने के बाद में उसमें सिस्टम से रखता है, वो पुनः लौट करके खोल करके देखता है अलमारी को तो लगता है कपड़ा ठीक रखा है। लेकिन एक आदमी है, एक कपड़े को अपने ही कपड़े को पेरा की तरह ठूस दिया है, उनको लगता है अरे ठीक नहीं लगा है। हम क्या करते हैं अपने जीवन को? पेरा की तरह ठूस देते हैं। कैसे ठूसते हैं? इतनी सुंदर वाणी मिली है लेकिन वाणी से ऐसे ऐसे शब्द, तीखे शब्द बोल। आज तीज का त्योहार है ना, याद रखेंगे। इतना सुंदर जीवन, इतना अच्छा जीवन मिला है, क्या आप इस तीज त्योहार को सफल बना पाएंगे? कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा इस तीज त्योहार को सफल बना ले। मात्र उपवास रहने से क्या तीज त्योहार सफल हो जाता है? क्या उपवास रहने से पति देव के लिए उम्र बढ़ जाती है? क्या उपवास रहने से मंगल कामना होता है? ये आपकी निष्ठा है, उपवास मत रहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ उपवास रहिए आपकी निष्ठा है तो, लेकिन इतना मात्र से पूरा नहीं होता है। कल जैसे मैंने कहा, मात्र अपने कोख से बच्चा पैदा कर देने से कोई माँ नहीं बन जाती है, ठीक ऐसे ही उपवास मात्र होने से कोई पत्नी नहीं हो जाती है और कोई किसी के पति नहीं हो जाता है। तो फिर क्या है? उसको निभाना, ये बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ी हस्ती इसको उठा सकता है इस बीड़ा को, और कोई बिरले लोग होते हैं इसको उठा पाते हैं। आज तीज का त्योहार है, आज संकल्प ले कि मुझे जीवन में आज से नई क्रांति लाना है, मुझे जीवन में प्रेम का संचार बिखेरना है, बस मुझे नहीं उलझना है जीवन में किसी से, मुझे नहीं शिकायत भरी जिंदगी जीना है। क्या ये कर पाएंगे? अगर ये करेंगे तो लड़ाई झगड़ा किससे करेंगे? यदि प्रेम का जीवन जी लिए तो लड़ाई किससे करेंगे? प्रेम के जीवन यदि देरान जठान में हो जाए तो लड़ाई नहीं करेंगे तो भोजन कैसे पचेगा? समस्या तो ये है। बदलिए जीवन को, बदलिए, प्रेम का जीवन जिए। ये मौसम इतना प्रकृति के द्वारा वरदान मिला है, सुंदर जीवन का निर्माण करिए। आप अपने पति देव के लिए आप लंबी उम्र की इच्छा करते हैं, अपने परिवार के लिए अच्छा तमन्ना करते हैं, अच्छी विचार सोचते हैं, इसके लिए आप जीवन जीने की शैली को बदल दीजिए, अपने व्यवहार को बदल दीजिए, अपने विचार को बदल दीजिए, अपने घर के माहौल बदल जाएंगे, आपके घर के माहौल बदल जाएंगे। एक घटना बताऊं आप सबके लिए, विशेष करके तीज त्योहार के लिए। एक संत रास्ते से गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते वो एक देखते हैं संत की एक बुढ़िया माँ, करीब करीब 80 साल की बुढ़िया माँ, जिनकी अवस्था 80 साल थी, शरीर सिकन सा हो गया था, यदि चमड़ी इतना मुलायम सा सिकन सा हो गया था, यदि हाथ को ठीक से पकड़ा जाए तो उनकी चमड़ी छिल सकती थी, इस स्थिति थी। इतना नाजुक सा शरीर, बुढ़ापे में शरीर कमजोर होने पर एकदम नाजुक सा हो जाता है। उस बुढ़िया माँ को एक बहन बड़े प्यार से स्नान करा रही थी, स्नान करा रही थी, उधर से संत गुजरते हैं और पूछते हैं, बेटी क्या तुम्हारी ये सासु माँ है, बड़े प्यार से स्नान करा रही हो? वो बहन बोलती है, महाराज जी मेरी सासु माँ नहीं बल्कि इससे बढ़कर के रिश्ता है। वो पुनः कहते हैं, तुम्हारी सासु माँ नहीं तो क्या तुम्हारी माँ है? वो बेटी बोलती है, महाराज जी मेरी माँ नहीं, मेरी माँ से बढ़कर के रिश्ता है। वो संत को आश्चर्य होता है, माँ से बढ़कर के रिश्ता और क्या हो सकता है? न ही सासू माँ है, न ही माँ है उनके। उस संत को रहा नहीं जाता है। उस संत पुनः पूछते हैं, बेटी न तुम्हारी माँ है न तुम्हारी सासू माँ है, आखिर है तो कौन? वो बहन बोलती है, महाराज जी ये वो माँ है
जिसके कोख में मेरे सुहाग पलाया। वो बोल सकती थी मात्र मेरी सासू माँ है, लेकिन उसके मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो बोलती है महाराज जी यो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, जिसके बदौलत आज मैं इस घर में टिकी हूँ, जिसके बदौलत मेरे हाथों पे सिंगार है, मेरे गले में सिंगार है, जिसके बदौलत आज मेरे सिर पे माहौर लगा है, बिंदिया लगा हुआ है। क्या इतना प्रेम होने के बाद कोई सासू माँ से लड़ाई करेंगे? क्या आप ये कर पाएंगे? और नहीं कर पाएंगे तो आपका सफल नहीं है तीज त्योहार, आपका सफल नहीं है तीज त्योहार। ये दृढ़ संकल्प जान लीजिए, आप उसी दिन असफल हो जाते हैं जिस दिन आप अपने ही सासू माँ के साथ कटु कुटार वचन बोलना शुरू कर देते हैं, अपने ही देरान और जेठान में तांडव मचाना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आप अपने पति देव का उम्र छीनना शुरू कर देते हैं। कैसे छीनना शुरू कर देते हैं? जैसे ही आप लड़ाई शुरू करते हैं उनके मन में एक द्वंद चलना शुरू हो जाते हैं, अब मेरे अपने ही अपने नहीं रह गए, मेरी ही पत्नी नहीं रह गई, क्योंकि मेरी पत्नी अब मेरी माँ से वास्ता नहीं है। और वही मेरी पत्नी थी जो कहती थी माँ जी ये कह रहे हैं, आज से 6 महीना कहती थी कि माँ जी ये कह रहे हैं, अब वही पत्नी है बोलती है ए जी तुम्हारे माँ ये बोल रही थी। अब बदल गए शब्द, अब वही 2 साल बाद में कहते हैं तुम्हारे भी नहीं, मेरे भी नहीं, तुम्हारे भी नहीं। अब उनके बच्चे आ गए, अब कहते हैं इनके दादी कह रहे थी। बदलते चले गए। और एक दिन ऐसी स्थिति आती है, दूरियां बढ़ती चली गई। और एक दिन वही माँ बाप को वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं। कहाँ गया तीज? एक किनारे रह गया। उपवास किस काम का? क्या बच्चे को संस्कार मिल पाएगा? आपस में पति और पत्नी लड़ते रह गए बच्चे। एक घटना बताऊं आपको, करीब करीब 2.5 साल का बच्चा देखते थे पति और पत्नी आपस में लड़ाई हो रही है, पति और पत्नी आपस में लड़ाई हो रही है, इतनी दर्दनाक लड़ाई होती थी कि अंतिम में पति कहते थे तुम इस घर से चले जाओ, पत्नी कहती थी तुम इस घर से चले जाओ। ऐसी सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। उनके छोटे से बच्चे 2.5 साल और 3 साल के बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं। मैं अभी मचेवा गया था साहेब जी के साथ में, 2.5 साल का बच्चा कई श्लोक और कई मंत्र इतने अच्छे से उच्चारण किए, आप लोग व्हाट्सएप में भी देखते होंगे। वो बच्चा कहते ही अपने माँ से जा करके, क्या सच में माँ तुम इस घर को छोड़ करके चली जाओगी? उनकी माँ बोलती है ऐसा कौन कहते हैं बेटा? बोलते हैं पापा और आप आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो लड़ाई के दौरान पापा आपको कह रहे थे कि तुम इस घर को छोड़ करके चले जाओगे। क्या सच में चले जाओगे तो हमको स्कूल जाने के लिए कौन तैयार करेंगे? हमारा टिफिन कौन तैयार करेंगे? क्या सच में चली जाओगी माँ? उनकी आंखें खोलती है और रुदे हुए आंखें में बोलती है बेटी मैं तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इतने में अपने पापा के पास जाता है, वही प्रश्न करती है वो बच्चे, और बच्चे प्रश्न करते हैं, कहते हैं क्या पापा सच में तुम इस घर को छोड़ करके चले जाओगे? यदि तुम इस घर को छोड़ करके चले जाओगे तो हमको स्कूल कौन ले जाएंगे, स्कूल से कौन लाएंगे? उसकी आंखें खुलती है बेटा मैं तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। जीवन को बर्बाद कर देते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आज आप सबको सुंदर अवसर मिला है प्रकृति की ओर से, सौभाग्यशाली हैं, आपका तन अच्छा है, मन अच्छा है, विचार अच्छा है, जीने की शैली अच्छे हैं, आपके पास घर है, मकान है, कपड़े हैं, बीबी हैं, बच्चे हैं, धन है, दौलत है। बहुत से लोग हैं जो बेचारा सत्संग सुनना चाहते हैं लेकिन चल करके यहाँ तक नहीं आ सकते हैं क्योंकि बेचारे के पास पैर नहीं है। बहुत से लोग हैं सत्संग सुनना चाहते हैं लेकिन यहाँ तक नहीं आ सकते क्योंकि बेचारे आंख से देख नहीं सकते हैं, कान से सुन नहीं सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास रहने के लिए छाया नहीं है, मकान नहीं है, एक झोपड़ी बना करके अपना जीवन काटते हैं। उनका जीवन पूरा गुजर जाता है कमाने और खमाने, कमाने और खाने में जिंदगी पूरा व्यस्त हो जाता है और अपने जीवन की कमाई नहीं कमा पाता है, अपने जीवन में कुछ निर्माण नहीं कर पाता है,
अपने जीवन का विकास नहीं कर पाता है, अपने जीवन को फिल्टर नहीं कर पाता है और अपने जीवन को तराश नहीं पाता है और वैसे ही जीवन जी जाते हैं जैसे अनगढ़ पत्थर की तरह होते हैं और अनगढ़ पत्थर का कोई मूल्य नहीं होता है। एक सिंपल सा पत्थर होता है, पत्थर को तराशने के बाद में एक पत्थर जो छीनी और हथौड़ी का चोट सहता है वह पत्थर भगवान का रूप बन जाता है और जो पत्थर छीनी और हथौड़ी का चोट नहीं सहता है वह पत्थर पैरों में कुचलने का काम आता है। वही पत्थर से आदमी पैर रख करके मंदिर भगवान के दरवाजे तक जाता है। ये एक पत्थर की घटना नहीं है, ये हम सब की घटना है। इसलिए आप सब तीज त्योहार को सफल बनाइए, एक सुंदर माँ बनिए, सुंदर ससुर जी बनिए, सुंदर सासु माँ बनिए, सुंदर देरान बनिए, सुंदर जेठान बनिए, जीवन का निर्माण करिए। आप ये लड़ने झगड़ने में जीवन को बर्बाद मत करिए, आज बेशकीमती जीवन मिला है। आप लड़ते हैं, कल साहेब जी कह रहे थे आप लड़ते हैं तीन पीढ़ी को बर्बाद करते हैं आप, कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ भी हो रहा है? छोटी छोटी संपत्ति को ले लड़ते लगे झगड़ते यदि जीवन को बर्बाद कर दिए तो जीवन में कुछ नहीं कमाया आपने, कुछ नहीं कमाया। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया, करो तैयारी ऐसे धन की जो आगे होए सहाया। क्या आप ऐसे धन की तैयारी कर रहे हैं? आपके पास ऐसा कोई धन नहीं है बुढ़ापे में जो आपके काम आए। मैं कल भी कहा था कि आप बच्चे के जीवन का निर्माण करिए, आप बच्चे को अच्छा संस्कार बनाइए, अच्छे संस्कार दीजिए। और अच्छे संस्कार ने साहब ने कहा कि बच्चे सेविंग अकाउंट है, और मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो बच्चे आपके बुढ़ापे की लाठी है। साहब ने कहा कि बच्चे सेविंग अकाउंट है, और दूसरे शब्द में कहा जाए तो बच्चे आपकी बुढ़ापे की लाठी है। यदि आपने बच्चे को आज अच्छा संस्कार दिया है, उनको प्रेम से संचित किया है, प्रेम से लबालब किया है, उनके अंदर आदमियत भरा है, इंसानियत भरा है, तो आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में काम आएंगे। और यदि आपने ये चीज नहीं भरा है तो आपके बुढ़ापे की लाठी कमजोर है, कभी भी टूट करके बिखर सकता है, कभी भी टूट करके बिखर सकता है आपकी बुढ़ापे की लाठी। आपके बुढ़ापे की लाठी एक लाठी ही नहीं है, आपकी बुढ़ापे की लाठी एक बांस का डंडा नहीं है। आप उसको बुढ़ापे की लाठी मत समझना, वो तो आपके शरीर की लाठी है वो, लेकिन आपकी बुढ़ापे अवस्था में जो काम दे, एक ऐसी मजबूत लाठी तैयार करिए, वो आपकी बुढ़ापे की लाठी आपके बच्चे होंगे। आपके बच्चे होंगे तभी आप सुंदर जीवन जी पाएंगे। यदि आज आप अच्छे संस्कार देते हैं तो आगे चल करके वही बच्चे आपका सम्मान देंगे, वही बच्चे आपका सम्मान करेंगे और उनको गर्व होगा कि मैं कैसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया हूँ। और आपको गर्व हो गया, मैं धन्य हो गया, एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो मेरे बुढ़ापे में आज मेरे साथ अंग संग है, मेरे काम दे रहे हैं। तो तीज त्योहार की असली सफलता आपके जीवन में प्रेम की संचार हो, आपका जीवन प्रेम से लबालब भरा हो। कभी कभी छोटे छोटे चीजों के लिए हम लड़ते झगड़ते जीवन को बर्बाद कर देते हैं। दो दो चर चर पैसे के लिए, दो दो चर चर रुपये के लिए, एक एक दशमिल जमीन के लिए, एक एक इंच जमीन के लिए लड़ करके झगड़ करके जीवन को पूरा लड़ाई का केंद्र बना लेते हैं और जीवन में हमको हासिल आया कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अंतिम में पश्चाताप और गलानी करते चले जाते हैं। इसी तरह आप अपने जीवन को तराशते जाइए। आपका जीवन का कीमत मैंने बताने का प्रयास किया कि आपका जीवन कितना बेशकीमती है। 100 करोड़ का गहना पहना हुआ हो उसके सामने भी आपका कीमत उससे भी भारी मजबूत और उससे भी भारी महंगा आपका जीवन है। आप अपने जीवन को तराशे और सुंदर जीवन का निर्माण करें। मैंने आप सबके बीच में कुछ देर तक कहने का प्रयास किया, अब हमारे बीच में परम पूज्य और साहिब जी विराजमान हैं। करवृद्ध प्रार्थना है कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। सभी श्रोता बंधुओं की, माता बहनों की जय। आज बहनों के लिए पर्व का दिन है, मिलन का दिन है। आज का दिन ससुराल में नहीं, नैहर में गुजरती है। और नैहर में पुराने से पुराने और नए से नए बहनों से मिलन होता है। अब मिल करके आपस में खुशियों का अनुभव करता है। कोई 10 साल, कोई 20 साल, 15 साल, 25 साल के बिछुड़े हुए सखी है, उन सखियों से मिलन होता है। त्योहार खास रूप में मिलन का ही त्योहार है बहनों का। तो कैसे मिलना चाहिए? कहा जाता है जब त्योहार के दिन बहुत पुराने बचपन का सखी है, 10-20 वर्षों के बाद आती है, सोचती कि मैं अपने सखी से जाकर के मिल लूं। वह जाती है जिस घर में, उस घर के सखी को देखती है और उस घर वाली सखी है उस बहन को देखती है। जैसे देखा चार मिल जाता है। बहन तो दो है, एक आने वाली सखी है, घर के सखी है, लेकिन चार मिल गया। जैसे चार मिलता है वैसे 64 खिले, 64 खिल जाता है। वैसे ही रहे 20 कर जोर, 20 कर जोर करके अंगुली है, मिल जाती है। और निकट होने पर दोनों का प्रेम उमड़ पड़ता है। आज धन्य मेरा सौभाग्य कि 10 साल के बिछड़े हुए मेरी बहन, मेरी सखी से आज मिलन हो रहा है। अपने अपने भाग्य को तराशती, सौभाग्य समझती है। तो चार क्या मिलता है? दो आंख आने वाले सखी का और दो आंख घर में रहने वाली सखी का। सखी के आंख से सखी के आंख मिलता है तो चार मिले। चार दोनों का चार आंख मिलता है तो 64 खिल जाता है। प्रसन्नता से, खुशियों से 64 खिलता है। 64 क्या है? 32 दांत उनका, 32 दांत घर में रहने वाले सखी का। 64 दोनों का दांत खिल जाता है खुशियों से। तैसे ही और निकट जाता है, रहे 20 कर जोर, 10 उंगली उनका और 10 उंगली उनका तुरंत जुड़ जाता है। और जुड़े जुड़े एकदम निकट होता है। जैसे निकट होता है तो दिल से दिल दोनों
भुजाओं में पकड़ रहता है और आंखों से प्रेम के आंसू बहाता है। ये क्या है? बहन का मिलन त्योहार है, मिलन का त्योहार है। 10 वर्ष 20 वर्ष 25 30 40 साल के पुराने से पुराने बुआ है, दीदी है, मौसी है, इन लोगों से मिलन होता है। खास रूप में मिलन का त्योहार माना जाता है। लेकिन इससे नाम अमर नहीं होता है। अमर कैसे होता है? जिसको उन्होंने अभी हमारे साथी ने बताया कि जीवन को तराशो, तराशो, तराशना क्या है? अपने स्वार्थ के त्याग करना, अपने अपने स्वार्थ के त्याग कर दो। स्वार्थ का जो त्याग करेगा वही नारी है। सास के, ससुर के, पति के, देवरान, देवर के, देवरान के, जेठान के, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छे से अच्छे व्यवहार करेगा, जीवन जिएगा। स्वार्थ का त्याग करना है। कैसे स्वार्थ का त्याग करना है? एक उदाहरण के माध्यम से हम सब समझें। महारानी सीता है, सब जानते हैं इतिहास के पन्नों में, रामायण सुनते हैं। और महाराज राम के अर्धांगनी सीता है। दोनों में कितना प्रेम, पति और पत्नी में। राम का वनवास हुआ था, महारानी सीता का नहीं हुआ था। महाराज राम कहता है, सीते मैं माता पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास जा रहा हूं, तुम माता पिता की सेवा करना। भरत है राजगद्दी में बैठना, बैठेगा, उनका मर्यादा का पालन करना। उनके रानी है, उम्र में तुमसे छोटी है, फिर भी उसके भी मर्यादा रक्षा करना। महारानी सीता क्या कहती है? आप क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसे वैसे नारी समझ लिए क्या? मैं राज कन्या और राज रानी, राज बहु बन करके तुम्हारे साथ में मैं आई हूं। राजकन्या राजा जनक की पुत्री है, राजबहु राजा दशरथ की बहू है, और परमात्मा माने हुए राम के पत्नी है। पतिदेव मुझे ऐसे वैसे नहीं समझना। आप वन को जाएं, मैं घर में राजभवन में रहूं, ये नहीं हो सकता है। आपके कदम में कदम मिलाते हुए नंगे पैर चल करके तप करूंगा, जो आपके अनुकूल सामग्री का व्यवस्था करूंगा। राम कहता है, सीते वन में बहुत कष्ट मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा, उन कष्टों को तुम राजकन्या राज रानी राज बहु होकर के कैसे सहोगे? तब महारानी सीता कहती है, जैसे सूर्य से उसके गर्मी को, उसके प्रकाश को आप अलग कर दें, जैसे गुड़ से गुड़ के मिठास को अलग कर दें, जैसे मिर्चा से उसके तितास को अलग कर दें, जैसे नमक से उसके खारापन को अलग कर दें, तभी आप कहिए कि सीते तुम राजभवन में रहो और मैं वन को जाता हूं। महारानी सीता कितना तपस्वनी होकर के पति में समर्पित जीवन जिया,
आज उसी के कारण से महारानी सीता का नाम अमर है। राम से कहीं ज्यादा महत्व मां सीता का है। इसलिए नारियों को चाहिए अपना जीवन को तराशना है तो सीता बन जाए। महारानी सीता सास ससुर में, देवरान जिठान में, पति में सब कुछ समर्पित होकर के जीवन जी। दूसरा है शैव्या। शैव्या कहते हैं राजा हरिश्चंद के पत्नी है। राजा हरिश्चंद है, सब कुछ को दान में दे दिया और दान में देने के बाद पत्नी को भी बेच दिया, अपने को भी बेच दिया। लेकिन पत्नी शैव्या है, पति धर्म को पूरा जीवन में निभाई। आज उसके कारण से शैव्या के भी नाम अमर है। तीसरा है सावित्री। सावित्री कहते हैं सत्यवान की पत्नी है। सत्यवान धूमसेन के पुत्र है और सावित्री है अश्वपति के पत्नी बेटी है। अश्वपति के बेटी है और सावित्री तो दोनों का जो देखा युवावस्था नारद ने देखा। धूमसेन से कहता है राजा साहब आपकी बेटी जवान हो चुकी है, शादी योग्य हो चुकी है, इनका शादी कब करेंगे? अब आपके कोख आकोख में रहने शक्ति है। सावित्री के पिता धूमसेन कहता है कि मैं सावित्री को कह चुका हूं, तुम अपना वर खोज लो। उन्होंने सावित्री के पास में आती है। सावित्री पिता और नारद भगवान के पास में आती है। नारद भगवान देख करके कहता है बेटी तुम्हारा वर मिल गया? उन्होंने कहा कि हाँ मिल गया। कौन है? धूमसेन के पुत्र सत्यवान है। नारद भगवान देखता है सत्यवान एक महीना के अंदर में, महीना के पूरा होते होते उसका मौत हो जाएगा। तुम ऐसे जिस राजकुमार का मौत हो जाए ऐसे पति का वरण मत करो। सावित्री कहती है मैं एक बार वरण कर चुका हूं, एक बार ही होता है। कहा जाता है पुरुष वचन मर्द का वचन एक बार निकलता है। और कदली कहते हैं केला को, केला का फल एक ही बार होता है। सिंह का गमन एक ही बार होता है, एक ही संतान पैदा करता है। उसी प्रकार से भगवान मैंने पति चुन लिया, चाहे वो मर जाए मृत्यु हो जाए लेकिन मेरा विवाह सत्यवान के साथ ही होगा। सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। कथा बहुत लंबा है, कहने का समय नहीं है। विवरण पूर्वक दोनों का शादी हो चुका है। सत्यवान के पिता धूमसेन राज से निकाल दिया गया था और उसके आंखों में उसके माता और पिता दोनों के आंख को फोड़ दिया गया था। राज में तप जंगल में तप कर रहे थे, कुटिया बना करके सत्यवान है और वहीं जाता है। सावित्री कहती है ये राज ये शोभा नहीं देगा क्या? राज का जो सिंगार है, वस्त्र आभूषण है, सब कुछ को निकाल करके बक्सा में रख देती है
और तपस्विनी बन जाती है, सास ससुर की सेवा करती है, पति के कदम में कदम मिलाकर के चल जीवन जीती है। आगे चल करके सावित्री को पता है मेरे पति का मौत कब होगा, कब होगा। अब तीन दिन बाकी है, आज कल परसों तीसरा दिन में उसका मौत होगा। सावित्री है पति के में समर्पित हो करके व्रत शुरू कर दिया तीन दिन का। आप लोग तीजा रहते हैं, तीजा रहती हैं, कल दिन भर शाम को रात तक से खाए हैं और सुबह आज कुछ न कुछ जल जलपान करते रहे। कोई कोई होता है जो तीजा के दिन बिल्कुल निराहार रहे और रात्रि में पारण करें, ऐसा कोई बिरले होता है। तीजा के मतलब है दूसरे दिन ही पारण करना। तो सावित्री तीन दिन तक व्रत रहने के संकल्प लिया, मेरे पति का परसों मौत हो जाएगी। सावित्री के सास ससुर समझाते हैं, बेटी इतना कठोर तप मत करो, कुछ भी नहीं खाना पीना, पानी भी नहीं पीना, निर्जला निराहार तीन दिन तक तप किया। तीसरा दिन होता है, पति है उसके सत्यवान है, कहां जाता है जंगल में लकड़ी लाने के लिए। सावित्री वह भी पति के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि आज पति का मौत है। तैयार हो जाती है तो सत्यवान कहता है, सावित्री तुम तीन दिन से भूखे हो, व्रत चल रहा तुम्हारा, मत जाओ, चलने की हिम्मत नहीं होगी, कहीं गिर जाओगी तू, और माता पिता की देखभाल कौन करेगा। सावित्री कहती है, मेरे लिए माता पिता सास ससुर तो सब कुछ है, लेकिन उससे बढ़कर के आपका जीवन है, आपके साथ चलूंगी। खाई तीन दिन से भूखा है, सावित्री अपने सत्यवान पति के साथ चल देता है और चल करके जंगल में उसके पति लकड़ी काट रहा है। जब लकड़ी काट रहा है उसी समय पीछे से सन 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 करते हुए एक नाग आता है और सत्यवान के पैर को डस देता है। वो नाग नहीं है, यमराज है। यमराज आया, उसके आत्मा को निकाल लिया। सावित्री अपने जंघे में सत्यवान के सिर को रख लिया और बिल्कुल पति में समर्पित होकर के ध्यान करने लगी, ध्यान में मग्न हो गई। उसी समय यमराज आता है, सावित्री तुम्हारा तप को देख करके मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं, तुम्हें जो वर मांगना है मांग लो। वर में बहुत कुछ मांगता है, अनेक वर मांगता है, बार बार हार जाता है। कौन? यमराज है। अंतिम में अपने पति को जिला करके ही रहा, पति के श्वास अंतिम थी। तो इस प्रकार से सावित्री के तरह हम तीजा रहे और तीन से अपना जीवन को निर्मल बनाए, तन मन वचन तीनों को शुद्ध करें और पति परिवार सास ससुर में समर्पित होकर के जीवन जिए, तभी हमारा तीजा रहना सार्थक है। तीसरा हुआ, चौथा है गंधारी। गंधारी कौन है? गंधारी है पांडवों की माँ है, धृतराष्ट्र की पत्नी है, पति के साथ में शादी हुआ धृतराष्ट्र के, लेकिन पति के दोनों आंख नहीं था। शादी होने के बाद गंधारी ने
अपने आंखों में पट्टी बांध लिया। मेरा पति देख नहीं सकता है तो मैं देखते हुए संसार में भटकता रहूं? भटकना मेरा धर्म नहीं है। पति में समर्पित होकर के जिंदगी जीऊं। गंधारी अपने दोनों आंखों में पट्टी बांध दी है और कितना कठोर तप किया पति और पुत्र परिवार का सेवा करते हुए। आज उसका नाम अमर है। और पांचवा है भीम नंदनी राजा भीम के पुत्री और नल की पत्नी है। दोनों के नाम अमर है। भीम नंदनी राजा नल और भीम नंदनी दोनों में इतना प्रेम और कितना तप। राजा नल है सब कुछ हार गया जुआ में हार जाने के बाद में पति और पत्नी दोनों वन को जाता है। नल कहता है दमयंती तुम्हारे तो नारी है घर में रह करके तप करो। मैं वन को जाता है। यहाँ तक राजा नल के शरीर में कपड़ा नहीं है पूरा नंगे है फिर भी दमयंती उसका रक्षा करती है। अंत में राजा नल उसे भी त्याग करके सोते हुए समय में भाग निकलता है। फिर भी पति में इतना समर्पित कि दमयंती है लौट करके माता पिता के सहारा होती है लेकिन दूसरा पति नहीं चुनती है। बोलिए सतगुरु देव की जय। दूसरा पति नहीं चुनती है और उसी पति को पाने के लिए पूरा तप जीवन में करती है। तो इस प्रकार से इन पांच नारियां को जीवन और दर्शन को आज नारी वर्ग चिंतन करें। इन्हीं के नाम इतिहास में अमर क्यों है? क्या हम अमर नहीं हो सकते हैं? चिंतन करो। आज भी राम सीता की तरह और सभी राजाओं रानियों के नाम जो अमर है इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाता है। सुमिरन भजन होता है केवल सुमिरन भजन नहीं अपना जीवन को तराशने के लिए है। इसलिए आतीजा के अवसर पर तीज त्योहार है तो अपना जीवन को निर्मल बनाने के लिए आज सुंदर अवसर मिला है। संकल्प दिवस बहनों याद करो मुझे भी कैसा जीवन जीना चाहिए। सास ससुर के साथ में देवर जेठान के साथ में पति के साथ में पुत्र परिवार के साथ में क्या मैं तप कर रही हूँ? क्या मैं साधना कर रही हूँ? यदि नहीं है तो आज ऐसे देवियों के जिसका नाम अमर है उसके पद चिन्हों में चलने के लिए संकल्प लें और चल संकल्प ले करके निरंतर आगे बढ़ें। अवसर एक बार मिलता है। ये मनुष्य शरीर मिला है तो केवल नाम कमाने के लिए परिवार और समाज में एक अच्छे रोशनी देने के लिए जीवन मिला है। इसलिए हम सबको ऐसे देवी और देवताओं के नाम को सुमिरन भजन करें ध्यान करें और अपना जीवन को तराशें। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सबके बीच पूज्य श्री साहिब जी विराजमान हो चुके हैं। आपके अमृत वचनों से हम सब लाभान्वित हों और अपना जीवन को तराशने के लिए संकल्प लें। बोलिए सतगुरुदेव की जय।